सबसे पुराने किले में से एक पुराने किले में। तो चलो अंदर चलते हैं और इसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। तो इस पुराने किले में आने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ना सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ से उतर के रिक्शा लेकर हम जाएंगे किले की तरफ। तो ये आ गए हम पुराने किले के सामने, और इसी के लेफ्ट साइड में है टिकट काउंटर। तो बस टिकट काउंटर में चलते हैं और टिकट्स लेते हैं। भाई संडे के दिन हम सुबह सुबह पहुँचे हैं और यहाँ पे एक इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा जो यहाँ पे घूमने आया होगा, हम पहले हैं शायद। तो ये टिकट काउंटर और ये है यहाँ के टिकट प्राइजेस। पुराना किला और फोर्ट और म्यूज़ियम तीनों को अगर देखना है ना तो 45 रुपीज़ लगेगा, यानी 45 रुपये लगेगा अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो, और अगर कैश देते हैं ना तो 50 रुपये लगता है। तो हम लोगों ने टिकट्स ले ली है। तो पता है टिकट काउंटर के बिल्कुल साइड में ना यहाँ पर क्लोक रूम भी है, यहाँ पर अगर ज़्यादा सामान है ना तो रख सकते हैं। हमने सोचा था रख देंगे, फिर हमें याद आया कि पानी की बोतल भी ज़रूरत पड़ेगी, पानी पीना है, छाता भी अंदर ज़रूरत पड़ सकता है, और उसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं तो क्या ही रखेंगे। फिर हम वापस आ गए। एक सबसे अजीब बात पता है क्या है, खाने पीने की चीज़ें, छाता, बोतल सब कुछ अलाउड है, लेकिन क्या अलाउड नहीं है, एक लिपस्टिक। क्यों? क्योंकि कुछ लड़कियाँ हैं तो वो ना क्या करती हैं, दीवारों में लिख देती हैं, इसकी वजह से अलाउड नहीं है, बताओ। तो मैंने लगा लिया है, अब मैं छुपाने जा रही हूँ, वो भी कहाँ, देखो किसी कोने में, बाद में जाते टाइम ले लूँगी। वैसे तो इस किले का निर्माण मुगल सल्तनत के राजा हुमायूं ने किया था, लेकिन हुमायूं के हारने के बाद इस किले को शेरशाह सूरी ने पूरी तरह से तैयार किया। तो अंदर आते हैं, पुराने किले के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि इस किले को ना पांडवों के किले के नाम से भी जाना जाता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो हम आ चुके हैं किले के अंदर की तरफ, और ये देख रहे हो यहाँ पे पुराने समय में कितने बड़े बड़े गेट्स होते थे यार, और ये ना लकड़ी के बने हुए हैं। तो यही वो किला है जहाँ से हमने अभी एंटर किया है, और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, और ये देखो हरियाली, ठीक है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तो हम किले के अंदर आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पहले किले को देखने के लिए, किले के बाद फिर हम बाकी चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि मस्जिद है और म्यूजियम वगैरह भी है। तो किले के अंदर जिस गेट से हमने एंटर किया है ना, इस गेट को जो मेरे पीछे है, इस गेट को बड़ा दरवाज़ा कहते हैं, और ऐसे ही ना यहाँ पे तीन मेन दरवाजे हैं जिसमें से पहला है बड़ा दरवाज़ा, उसके बाद ये सामने है, क्या था ये हाँ, उसके बाद ये सामने है हुमायूं दरवाज़ा जो कि दूसरा गेट है, जो कि ये मेरे सामने है, ये देखो। उसके बाद है ये दरवाजा जिसको कहते हैं तलाकी गेट, और वो ये है, ये देखो। तो भाई हम जा रहे हैं तलाकी गेट के अंदर, ठीक है, ये देखो ये हमारा सीढ़ियाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे का जो दरवाज़ा था ना, उस वाले दरवाजे पर एंट्री अलाउड नहीं है, अंदर नहीं जा सकते, लेकिन हाँ तलाकी गेट वाले एंट्रेंस में जा सकते हैं। भाई हम अंदर की तरफ आ गए, कितना अंधेरा है भाई यहाँ पे, और यहाँ पर कुछ ऐसे डिजाइन बने हुए हैं। अभी तो कुछ चीज़ें टूटी फूट गई हैं, लेकिन यार उस समय में तो बढ़िया दिखता होगा। ये देखो भाई यार, ये किला कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, ये देखो भाई। तो अभी ना हम घूम ही रहे थे यहाँ पर, और अचानक से ना मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, धूप वूप सब चली गई, बादल छा गए हैं, और हवाएं चल रही है भाई, इतना मज़ा आ रहा है ना। बस अब मैंने इसको बोल रखा है, इसको मैंने काम पे लगा दिया, मैंने इसको बोला मेरी फोटोज खींचे भाई, दो तीन बढ़िया से दिया, उसके बाद भी इसका दिल नहीं, 10 फोटो खींची लेकिन एक ढंग की नहीं आई, तो मैं क्या करूं, मानता 50 खिंचवा लेगी लेकिन जब भी कहेगी तो वो खींचता ढंग का नहीं ना, अगर कोई इंसान एक बार में खींच दे तो इंसान बोले ही ना, ऐसे करो चलो काम पे लगाओ। खुद ही सारे चिप्स कुरकुरे लेकर आया था और खुद ही सारा खा चुका है, और मुझे बोलता है लो ये तुम ये खा लो, ये देखो मेरे हाथ खा लिया और ये खुद खा रही है सारा, कितना भूखा है। तो किले के दरवाजों को देखने के बाद हम आए हुए हैं मस्जिद की तरफ, और ये देखो ये है मस्जिद का पिछला हिस्सा, ठीक है, अभी हम आगे की तरफ जाएंगे। तो इस मस्जिद के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इसका नाम है किला ए कुन्हा मस्जिद, और भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो चलते हैं इसके अंदर की तरफ यहाँ से।
कलर के पत्थर दिख रहे होंगे ना मस्जिद में जो लगे हुए हैं, और वो गाना सुना है सुनो ना संगे मरमर, ये तो ऐसे तो होता भी नहीं हो ऐसे होता है, तो वो सुनो ना, सॉरी सुनो ना नहीं, तो जो संगमरमर का जो पत्थर है ना वो काफी महंगा होता है और काफी मतलब अच्छा होता है, तो उसी पत्थर से ये मस्जिद को डिजाइन किया गया। ये देखो ये सफेद पत्थर है, और संगमरमर की ना खासियत होती है इसे आप कितनी तड़पती धूप में रख लो ठंडा ही रहता है। हाँ यार। ये गर्म नहीं होता क्या? ये देखो ये चीज मुझे पता है, नीचे का फर्श तो गर्म है, आग लग रही है और ये बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। ताजमहल में जाके पता लगी थी, मैं चौंक गया था। अगर पहचान करनी है ना असली है नकली है तो पता लग जाएगा, टच करोगे ठंडा ही रहता है। और बाकी जितने भी फोर्ट्स हैं, जितने भी मुगल सल्तनत के लोगों ने जो भी बनवाया था ना, तो उसी टाइप का ये मस्जिद है। तरीके से डोम टाइप दिखाई देता है, वो वैसा ही दिखेगा। ये देखो मस्जिद का जो आर्किटेक्चर है ना वो इंडो इस्लामिक तरीके से बनाया गया है। कुछ कुछ चीजें ना यहाँ पे ऐसे दिखने को मिलेगा जो हिंदू मंदिरों में होता है ना, जैसे ये डिजाइन हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है हम एग्जैक्टली नहीं कह रहे हैं, कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब चीजें ना मस्जिदों में देखने को नहीं मिलती है। और ये जो आर्किटेक्चर है ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि हाँ ये इस्लामिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। से ना एक और चीज दिखती है, तो वहाँ पर ना ऊपर डायनासोर दिख रहा होगा, तो ये है साइंस म्यूजियम, जहाँ पे ज्यादा नोएडा दिल्ली के बच्चे ना पिकनिक में जाते ही जाते होंगे। तो अगर साइंस म्यूजियम अगर जानते हो ना तुम लोग, तो फिर तुम लाल किला सॉरी पुराना किला भी आ सकते हो। पुराना किला और साइंस म्यूजियम बहुत पास में है। तो अब मैं आई हूँ किले की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो कि मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, और इसे कहते हैं शेर मंडल। और शेर मंडल ना पुराने समय में जब ये किला बना था उस समय में ना ये एज अ लाइब्रेरी यूज होता था, जहाँ पे किताबें वगैरह रखी होती थी पढ़ने के लिए। तो उस समय पर हो सकता है हुमायूं किताब वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो जब वो नीचे की तरफ उतर रहे थे ना सीढ़ियों से, तो सीढ़ियों से फिसल कर ना उनकी मृत्यु हो गई थी। तो थोड़ा और आगे आने के बाद ना एक और एरिया देखने को मिला है, जो कि कुछ इस तरीके का है, और इसका नाम है हमाम, और पढ़ भी सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और हमाम का मतलब ये है कि उस समय पर ना नहाने का जो एरिया होता था ना उस हिसाब से इसको यूज़ करते थे, यहाँ पर नहाते थे, ठीक है। तो अभी देखते हैं किस तरीके का दिखता है ये। तो ये जो हमाम का एरिया ना वो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, जितना दिख रहा है बस यहीं से दिख रहा है। ये देखो ऊपर चल के दिखाते हैं आपको, और ये पीछे से मुंह बना रही होगी पक्का, मेरा फोन ये बैक कैमरे से है, मैं इसे देख नहीं पा रहा, पर ये कुछ ना कुछ कर रही होगी, देख लो आप लोग। हर बारी जब मैं वीडियो ना एडिट कर रहा होता हूँ ना, जब मुझे दिखता है ये पीछे से ड्रामा कर रही होती है। जल्दी आ जाओ, ये देखो ये तेज टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना होता, पैर तेज चलाने होते हैं। तो भाई लास्टली अब जो लास्ट चीज़ यहाँ की रह गई है वो है यहाँ की बावली। ये देखो बावली के बारे में पहले पढ़ लो क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादातर किले जितने भी देखे होंगे दिल्ली के आसपास के या फिर दिल्ली के बाहर के भी, वहाँ पर ना बावली वगैरह बनी होती है, क्योंकि पुराने समय में ना पानी स्टोर करने के लिए टंकियाँ वगैरह या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो फिर ना उस टाइम पे ना बावली बनाया जाता था ताकि पानी वगैरह को स्टोर किया जा सके। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये पूरा बावली है। ये देखो यहाँ पे ना पानी स्टोर होता है नीचे की तरफ, देखो भाई ये है बावली, और ये देखो नीचे दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे पानी स्टोर होता है, और अभी भी ना जब बारिश होती है तो पानी यहाँ पे जमा हो जाता है। और पुराने समय में तो इस बावली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि उस टाइम पे जितने पानी से होने वाले काम होते थे वो सारे इसी पानी से होते थे। तो बस यही थी वो बावली। चाची जी की यहाँ पे है ना, मतलब क्या बोलते हो उसे, पानी को बचा के रखने के लिए कुछ बोलते हैं। तो किले के अंदर एंटर करते ही ना बिल्कुल लेफ्ट साइड में ना यहाँ पर ना एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, और इस म्यूजियम के अंदर ना जितनी भी पुराने समय की चीज़ें होती हैं, जैसे कि मूर्तियाँ वगैरह या सिक्के वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो सारी की सारी यहाँ पर रखी गई है, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ के टिकट प्राइजेस है 5 रुपये। तो ये देखो ये है वो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, और इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है ये, और इसकी जो टिकट प्राइस है वो 5 रुपये, ठीक है। तो बस इतना ही था, और बाकी ना अंदर ना शूट वगैरह करना अलाउड नहीं है, हम ऑलरेडी जा चुके हैं, हमें चीज़ें देख ली है। तो पुराने किले से हम निकल चुके हैं, ठीक है, और एग्जिट करते ही ना यहाँ पे एक गेट है जहाँ से ये लेक के लिए ना एंट्री होती है। तो भाई ये देखो कितना सही लोकेशन है, और पता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, मतलब सबके सब ना किले में घूम रहे हैं जहाँ पे इतनी धूप है, और ये देखो यहाँ पे इतना ठंडक है,
इतनी शांति है और यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा हमें हमारे अलावा। अंदर आते ही ये देखो भाई लेक व्यू कितना सही लग रहा है और यहाँ से पूरा किला दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा फोर्ट भी दिखाई देता है, फोर्ट का जो बाहर का एरिया पूरा दिखाई देता है। और मतलब ये जगह सही है यार, शाम के टाइम में ना पहले फाउंटेन्स भी चलती थी, अभी का मुझे नहीं पता चलती है कि नहीं, बट काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब अगर बारिश के टाइम में इस एरिया में आओगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वैसे तो पुराने किले के अंदर से ना फोर्ट दिखाई देता है, फोर्ट की काफ़ी सारी चीज़ दिखाई देती है, लेकिन जो लेक वाला एरिया है ना यहाँ से ना फोर्ट के बाहर का हिस्सा अच्छे से दिखाई देता है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टूटा फूटा एरिया है ना वो सारा दिखाई दे रहा है। कैसा लगा पुराना किला का व्लॉग जरूर बताना, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई बहुत गर्मी हो रही है इसलिए इसी बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं आपको अगले सफर में, तब तक के लिए जय हिंद।